बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सलमान अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्किन पॉलिश आप घर में कैसे करें। जैसे कि पॉलर में होती है, वैसे ही आप घर में कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉलर नहीं जा सकते, और बाज़ूकात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को इतना टाइम नहीं होता कि वो पॉलर जाके स्किन पॉलिश करवा सकें। तो आज आप लोगों के साथ मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि आप घर में कैसे स्किन पॉलिश कर सकते हैं, और उसके लिए क्या हमें चाहिए। हमें चाहिए निविया का क्लिनजिंग मिल्क, ठीक है, और हमें चाहिए क्यूने की ब्लीच क्रीम, ठीक है। सिर्फ क्यूने की आप ब्लीच क्रीम लेंगे, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और हमें क्या चाहिए, और हमने लेना है मुल्तानी मिट्टी, संदल मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक एक हमें ये चाहिए। और हमने क्या लेना है, और हमें चाहिए सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पोस्टर, एक ये हो गया। और हमें चाहिए सॉफ्ट टच वालों का सूथिंग लोशन, और हमें चाहिए सॉफ्ट टच वालों का स्किन शाइनर, और हमें चाहिए ये है डर्माकॉस का क्ले मास्क, ठीक है, एक हमें ये चाहिए। आप मुल्तानी मिट्टी या ये डर्माकॉस का क्ले मास्क दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और हमें चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल और वाइटनिंग के कैप्सूल, और हमें चाहिए कोई भी एक ब्रश और एक स्पंज। सबसे पहले हम बना लेते हैं स्किन पॉलिश। बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें लेनी है ब्लीच क्रीम। जितनी आपने ब्लीच क्रीम लेनी है, इससे आधा आपने ये पाउडर लेना है ब्लीच का, ठीक है। ब्लीच क्रीम से आधा आपने हमेशा लेना है। मैं सिर्फ फेस के लिए बना रही हूँ। आधा चम्मच हम पाउडर का लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉफ्ट टच का ये वाइटनिंग बूस्टर, ठीक, चंद ड्रॉप्स, और सूथिंग लोशन के भी चंद ड्रॉप्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्किन शाइनर, इसके भी चंद ड्रॉप्स, बिल्कुल इतना। और अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइटनिंग कैप्सूल और विटामिन ई के कैप्सूल, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लेती हूँ। आप चाहो तो इसमें वाइटनिंग का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो, ज़्यादा वाइटनिंग के लिए। पूरा मैं विटामिन ई के एक कैप्सूल इसमें मिक्स करूँगी। और मैं चंद ड्रॉप्स लेस्ट्रीन के इसमें ऐड करूंगी, ये भी स्किन को सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है, स्किन पे शाइन लाता है, चंद ड्रॉप्स इसके। और चंद ही ड्रॉप्स मैं रोज वाटर के भी इसमें ऐड करूंगी। चले ये हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले स्किन को, अपने फेस की स्किन को साफ और नीट क्लीन करना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके लिए आप फेस वॉश के साथ भी चेहरे को वॉश कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ले रही हूँ चेहरे को क्लीन करने के लिए, चेहरे की डर्ट ऑयल को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ लूँगी क्लिनजिंग मिल्क, ठीक है। ये ओलिविया वालों का मेरे पास क्लिनजिंग मिल्क है, इसे मैं लूँगी थोड़ा सा, और 2 से 3 मिनट अपने फेस के ऊपर आपने मसाज करना। अभी मैं हाथ के ऊपर कर रही हूँ, ठीक है, 2 से 3 मिनट आपने फेस के ऊपर इसका मसाज करना है, ठीक है, और फिर कॉटन की मदद से आपने इसे रिमूव करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्किन सॉफ्ट होगी, आपकी डर्ट रिमूव होगी, और जो भी ऑयल होगा वो इस क्लिनजिंग मिल्क के साथ रिमूव हो जाएगा। अब मैं स्पंज के साथ इसे रिमूव कर लेती हूँ। और सेकंड स्टेप क्या है हमारा,
आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हो, आप अपने हाथ की मदद से भी इसे लगा सकते हो। इसे लगा के आपने पूरे 15 मिनट अपने फेस के ऊपर रहने देना है। तो देखिएगा इस स्किन पॉलिश से कैसे आपकी स्किन चमक जाएगी, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा और कैसे ज़बरदस्त आपकी स्किन हो जाएगी। 15 मिनट के बाद हम इसे स्पंज के साथ रिमूव कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। चले रिमूव कर दिया। अब क्या करना है, अब है हमने फिर अपने फेस की, अभी मैं हैंड पे कर रही हूँ कि हमने डीप क्लींजिंग करनी है। उसके लिए मैं क्लींजिंग मिल्क ले रही हूँ और 3 से 4 मिनट मैं अपने हाथ के ऊपर मसाज करूँगी ताकि कि जो हमने पॉलिश अपने फेस पे अप्लाई की है उससे जो आपकी स्किन के पोर्स जो ओपन हो गए उनमें से जितनी भी डर्ट वगैरह होगी ना, ऐसे आप जब डीप क्लींजिंग करते हैं ना तो वो सारी डर्ट जितनी भी आपके ओपन पोर्स में होती है वो सारी बाहर आ जाती है। जब आप ऐसे मसाज करते हो ना 3 से 4 मिनट तो वो सारी आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सारे रिमूव हो जाते हैं। चलिए अब मैं स्पंज के साथ इसे रिमूव कर लूँगी और अगला स्टेप क्या है हमारा, और अगला स्टेप है हमारा मास्क लगाना। ठीक है, आप क्ले मास्क भी लगा सकते हो, डर्माकॉस का और मुल्तानी मिट्टी भी, लेकिन मैं यहाँ क्ले मास्क नहीं लगाऊंगी, यहाँ मैं मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाऊंगी। अब फेस के ऊपर ये मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके पोर्स ओपन हो गए होंगे उन्हें मिनिमाइज करने के लिए ये पैक फेस पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं मुल्तानी मिट्टी का बना रही हूँ, रोज़ वाटर डाल के फिर मैं इसे बना के लगा के तो कितनी देर मैं रखूँगी, 10 से 15 मिनट और जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसे आप पानी के साथ वॉश कर ले या स्पंज के साथ आप इसे रिमूव कर लो। आप पानी के साथ भी इसे बना सकते हो, लेकिन मैं रोज़ वाटर के साथ इसे बना रही हूँ। देखिए हमारा पैक तैयार हो गया, तो अब मैं इसे लगाती हूँ। बिल्कुल हाथों के साथ ऐसे लगा के 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। अब मैं इसे स्पंज के साथ रिमूव कर लेती हूँ। तो अब लास्ट इसके बाद हमारा क्या स्टेप है, कोई भी अच्छा सा टोनर अप्लाई करना। उससे क्या होगा कि आपके चेहरे के ऊपर कोई भी ऑयल, कोई भी चीज, कोई भी डर्ट रह गई होगी ना तो वो फिर वो टोनर इसे रिमूव कर देगा। टोनर लगा के मैं यहाँ रोज़ वाटर का लगा रही हूँ, आप कोई भी टोनर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये टोनर अप्लाई करूँगी, फिर उसके बाद क्या करना है आपने कि आप 1 से 2 घंटे बाद इसे रिमूव कर दीजिएगा स्पंज की मदद से। तो ये थी हमारा स्किन पॉलिश का मेथड, जो घर में आप खुद कर सकते हो और देखिएगा आपको बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसे कि आपको पार्लर में मिलता है। तो ये सिंपल सा मेथड है, आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि जब आपने इसे अप्लाई किया तो आपको क्या रिज़ल्ट मिला। इससे स्किन सॉफ्ट होती है, स्किन ज़बरदस्त हो जाती है, जितनी भी डर्ट ऑयल जो भी होता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, वो सब रिमूव हो जाते हैं।
तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या रिजल्ट मिला। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।